गरीबी और भुखमरी ये आम आदमी के जीवन से जुड़े दो ऐसे विषय हैं जिन पर सदियों से बात होती आ रही है, लेकिन आज भी ये मुद्दा उतना ही गंभीर है जितना पहले था। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नतीजे आए जिनमें भारत 116 देशों में से 101 रैंक पर है। ये नतीजे भारत की भूखी जनता की हकीकत को बयां करते हैं। नतीजों के हिसाब से भारत उन 31 देशों में शामिल है जहाँ भुखमरी की समस्या काफी गंभीर है। भुखमरी के मामले में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल से 24 और पाकिस्तान से 9 पायदान नीचे है। भारत 101 और अफगानिस्तान 103 रैंक पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के मुताबिक भारत का स्कोर 27.5 है जो कि गंभीर कैटेगरी में आता है। हर साल किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति क्या है इसका पता लगाने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिन्हें 4 पैमानों के आधार पर तैयार किया जाता है। पहला है अंडर नरिशमेंट, जिसमें आबादी के कुल हिस्से में से उस हिस्से को कैलकुलेट किया जाता है जिन्हें पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही है। दूसरा है चाइल्ड मोर्टलिटी, मतलब प्रति 1000 बच्चों में से ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी 5 साल की उम्र के अंदर ही मौत हो गई हो। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, इसमें 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों को लिया जाता है जो अपनी उम्र के हिसाब से कमजोर हों। और चौथा है चाइल्ड स्टंटिंग, इसका मतलब ऐसे बच्चे जिनका कद उनकी उम्र के हिसाब से कम हो। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के नतीजे आने के बाद विवाद छिड़ गया है। विपक्ष सरकार को घेर रही है तो सरकार इन आंकड़ों को ही गलत ठहरा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हंगर इंडेक्स पर सवाल उठाते हुए कहा है कि रिपोर्ट जमीनी वास्तविकता और तथ्यों से परे है। इंडेक्स को बनाने के लिए जिस मेथड को अपनाया गया है वो अनसाइंटिफिक है। वहीं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया का मानना है कि हंगर इंडेक्स को जिस मेथड से तैयार किया गया है वो स्टैंडर्ड और वैलिड मेथडोलॉजी है। पूरी दुनिया में इसी मेथडोलॉजी के जरिए रैंकिंग की गई है। अगर वाकई इनमें कोई समस्या होती है तो ये बाकी देशों पर भी लागू होगी। भुखमरी के आंकड़ों पर सरकार का ये विरोध शायद तब थमे जब वो खुद जमीन पर उतरकर गली गली भटक रहे भूखे बच्चों को देखेगी। तब शायद सरकार जाने की कि भारत में भुखमरी का स्तर है क्या। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप, शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।